तो भाई सभी भक्तों को जय श्री राम। और आज है 21 तारीख 21 जनवरी और समय हुआ है 11:15 बजे हैं और प्रभु श्री राम नाम महायज्ञ यहाँ पर शुरू हो चुका है। और आज का अभी का जो तापमान है आज काफ़ी ठंड है, फॉग भी है और आज का जो अभी तापमान है वो 12 डिग्री है। और अभी मैं आपको जो यज्ञ है उसका पूरा भ्रमण करवाता हूँ। ये सभी राम भक्त आ चुके हैं यहाँ पर। जय श्री राम, जय श्री। ये राम भक्तों की टोली यहाँ पर आ चुकी हैं और यज्ञ जो है अपने पूरे सवाब पर शुरू हो गया है। ये देखिए, ये यहाँ पर यज्ञ शुरू हो चुका है और साथ में है रविंदर जी हैं और यज्ञ का जो है पवित्र प्रोग्राम शुरू हो चुका है। जय श्री राम, जय श्री राम। टीम है यहाँ पर और पूरा जो है उमंग और उल्लास से जो है कार्यक्रम शुरू हो चुका है यज्ञ का। और ये सभी हमारे जो भक्त हैं राम भक्त सभी यहाँ पर। जय श्री राम। और भाई स्पेशल यहाँ पर जो प्रोग्राम है 60 साल से ऊपर के जो वरिष्ठ जो हमारे नागरिक हैं उन सबको जो है यहाँ पर पगड़ी के साथ में जो है उनको सम्मानित किया जा रहा है। और ये है यहाँ पर जलपान की व्यवस्था है यहाँ पर जो है यहाँ पे चाय और नौ जलपान की व्यवस्था चल रही है। ये देखो जी दिव्य भव्य और श्री रामचंद्र जी की यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त जो है ये है। तो भाई यहाँ पर जो है श्री श्याम प्रभु मस्त मंडल रजिस्टर्ड किराड़ी ने यहाँ पर जो है चरण पादुका की सेवाएं फोटो खींच ले। जय श्री राम। तो भाई ये यहाँ पर हवन की तैयारी हो चुकी है। कृष्ण ने बाराम सुहावानी संतो शन्नो अग्निर्ज्योतिरनी को यजमान यहाँ पर हवन करने पर वरुणा बैठ गए हैं। सन्नस्कृतां सुकृतानि संतो शन्न इसिरो अभिवातु वातः शन्नो द्यावा पृथिवी पूर्वभूतौ शमन्तरिक्षं दृषरेणो अस्त्रावणः सन्नस्वरूणां मितयो भवन्तु। ये हवन कुंड जो है तैयार हो गया और इसका हवन कुंड का जो नाम है वो है जी लक्ष्मण कुंड। ये भी सारे यजमान यहाँ पर सब बैठ चुके हैं। ओम जय श्री राम, ओम जय श्री राम, प्रभु श्री राम नाम महायज्ञ का ये भव्य यहाँ पर जो है दरबार है श्री रामचंद्र जी का। और यहाँ पर ये जो पंडित ब्राह्मण जो आए हुए हैं वो यहाँ पर जप और पाठ कर रहे हैं। बहुत ही भव्य दिव्य यहाँ पे जो है प्रोग्राम चल रहा है श्री राम प्रभु के चरणों में। और यहाँ पर ये है दरबार, श्री राम जी का दरबार है, ये रामचंद्र जी का दरबार के दर्शन कराते हैं आपको। ये देखिए ये श्री राम का दरबार है और साथ में प्रभु वाल्मीकि जी हैं। प्रभु वाल्मीकि जी का जो भी दृश्य है, जो उनका चित्र है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य ये आयोजन यहाँ पर हो रखा है। और हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं
जो हमारे सामने जो प्रभु श्री राम का मंदिर का कल 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो भाई इतना भव्य है ये सब चीज, यहाँ पर आते के साथ ही पूरा जो है पूरा राम में आनंद में हो जाते हैं। जो है दोपहर के 11:30 करीब बजे हैं और यहाँ पर जो ठंड है, जो ठंडा मौसम है, आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर फॉग है, इतना ज़्यादा यहाँ पे आज ठंडा है और 12 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर है। और हमारे जो भी सीनियर हैं, ये स्वयं सेवक हैं हमारे, बहुत ही सम्मानित बोध विहार के, उनके भी यहाँ पर दर्शन हो गए हैं। हवन कुंड है जहाँ पे मोदी सेना के सभी जो सेवक हैं सभी यहाँ पर जो है हवन कुंड में हवन के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पर भव्य दिव्य हवन कुंड यहाँ पे अभी जो शुरू होने जा रहा है। और हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को जो है कितने अच्छे जो है प्रभु राम के हवन में भी जो है हम लोगों को न्योता मिला है। और जो हवन में जो आज इसके हिस्सेदार बन रहे हैं, जो उन लोगों को जो है बहुत बड़ी जो है किस्मत है। प्रभु श्री राम नाम महायज्ञ यहाँ पर कितना भावपूर्ण तरीके से ये सब चल रहा है। और जितने भी यजमान हैं और ये छोटे से पंडित जी हैं, ये भी यहाँ पे आ गए हैं। आपने भी हवन करवाना है? अभी सीख रहे हैं, अभी छोटे पंडित हैं ये, और ये भी जो है अभी सीख रहे हैं। ये है भाई, ये जो भी हवन कुंड में हवन हो रहा है, इसका जो मंत्र है उसका उच्चारण वहां से हो रहा है। ये देखिए, वहां से जो हवन के जो भी जो मंत्र है वो वहां से जो है इनको चलाया जा रहा है। और यहां पर जो है ये हवन से जो है बैठ के जो है वो चल रहा है यहां पे। यहाँ पे छोटे छोटे जो है ब्राह्मण आए हुए हैं हवन के कार्यक्रम के लिए। और धूप और ये हवन कुंड है माता सीता कुंड। जितने भी यहाँ पर जो हवन कुंड यहाँ पर जो बनाए गए हैं, सारे हवन कुंड के अलग अलग नाम दिए गए हैं। और ये सभी जो है यजमान यहाँ पर बैठ चुके हैं, हवन की जो तैयारी है वो की जा रही है अभी। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ये है भाई दिव्य भव्य श्री राम नाम महायज्ञ, मतलब इसकी जितनी ज्यादा प्रशंसा की जाए, कितने सब भाग्यशाली हैं कि हम लोगों के सामने जो राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है और कल 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। और ये है एक और जो हवन कुंड है वो है नल नील कुंड, और एक और ये हवन कुंड है जहाँ बोलने को कहा जाएगा वहाँ बोलेंगे। अथ संकल्प पाठ, ये हवन की तैयारी यहाँ पर जो है एक और हवन कुंड हवन की तैयारी। कलियुगे कलि प्रभव धरणे भाई। एक और ये हवन कुंड है जिसका नाम है गुरु वशिष्ठ हवन कुंड। ये गुरु वशिष्ठ हवन कुंड है, इसमें भी सभी जो यजमान हैं वो सभी जो है बैठ गए हैं और मंत्रों का उच्चारण हो रहा है यहाँ पर। ये देखिए कितना भव्य, कितना सुंदर, कितना अच्छा यहाँ पर जो है
प्रभु श्री राम नाम महायज्ञ का जो आयोजन हुआ है, कितने सभी जो है ना एक भाग्यशाली हैं जिनको जो है इस तरह के यज्ञ में जो बैठने का, यज्ञ में जो पुण्य प्रताप मिलने का मौका मिला है। यह है माता सबरी हवन कुंड। यहाँ पर यज्ञ क्रियते, ठीक। अब जो आगे बैठे हुए हैं और उनके पास आचमन करने के लिए चम्मच और कटोरिया गिलास रखे हुए हैं, हवन हो रहा है और सारे हवन का जो कंट्रोल है वे उससे आचमन वो जो है जो वहाँ पर है स्टेज पर निर्देश करेंगे। स्टेज पर जो पंडित जी जो वहाँ पर बैठे हुए हैं वो सारे हवनों को वहाँ से जो है कटोरी रखी है, जब वो वहाँ से सारे डायरेक्शन दे रहे हैं तो जूठा जल उसमें डालेंगे। तो भाई ये एक हवन कुंड है, वाल्मीकि कुंड, और इसमें भी जितने भी यजमान हैं वो अपने हवन में जो है बैठे हुए हैं, और जो हवन जो है पूरे मैदान में पूरे ग्राउंड में देखिए 11 कुंड बने हुए हैं, और इन कुंडों में सभी यजमान जो हैं वो कितने महत्वपूर्ण तरीके से जो है यहाँ पर हवन किया जा रहा है। प्रभु श्री राम नाम महायज्ञ। तो भाई ये है श्री हनुमान जी का कुंड, और एक हवन कुंड में से श्री हनुमान जी कुंड है। ये सारे यजमान जो है यहाँ पर सभी हवन कर रहे हैं। जो पुरोहित हैं वे समझाते रहे, बताते रहे, करके दिखाए, उनको देख करके आप भाई केवट कुंड, ये है केवट कुंड, और केवट कुंड है ये। तो ये सारे जो हवन कुंड जो बने हुए हैं पूरा यज्ञ चल रहा है। जवाब ये जो आयोजन है रविंदर है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी प्रभु श्री राम का जो है कितना बड़ा उनके ऊपर आशीर्वाद है, जो इस तरह से जो उन्होंने जो इसका आयोजन किया है। जय श्री राम, जय श्री राम। ये है हमारे भाई आगमन के लिए रखा गया है गर्ग साहब, 11 कुंड, जी जी 11 कुंड यहाँ पे बनाए गए हैं, और इतना शानदार इतना लाजवाब कार्य जो है रविंदर जी ने यहाँ पे किया हुआ है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। तो भाई ये बुधवार से जो मोदी सेना है उसके जितने भी जो सेवक हैं वो आ चुके हैं, और सभी हम जितने भी लोग हैं इस प्रभु राम नाम यज्ञ में जो भगवान प्रभु ने कितना बड़ा हमें आशीर्वाद दिया है, एक ऐसा मौका मिला है हम लोगों को कि हम भी एक इसका हिस्सा बन रहे हैं। आज प्रभु राम नाम महायज्ञ में एक और दर्शन करने को हमें मिले हैं, ये पंडित जी हैं प्रेमपाल जी, कृष्ण विहार में इनका निवास है, और जो दिव्य और भव्य जो ये प्रोग्राम चल रहा है वही दिव्यता इन पंडित जी के मुख से जो है ना आह्लादित होती है, और हम लोग धन्य हैं कि ऐसे लोगों का ऐसे महापुरुषों का हम लोगों को जो है श्री राम नाम महायज्ञ में जो है ऐसे दर्शन करने को मिल रहे हैं। तो भाई अब जो हवन कुंड की जो अग्नि है वो प्रज्वलित हो चुकी है। लोटे को वहीं रखेंगे, उत्तर से प्रारंभ करके और प्रदक्षिणा क्रम से चारों तरफ जल सेचन करेंगे क्लॉकवाइज, लेकिन मंत्र के बाद ठीक करवा लीजिए। ओम देवासामिता Swa
के चारों ओर क्लॉक वाइज सब्जियां उनकी डलवाई जाएगी, लेकिन बैठकर के व्यवस्था से। इसलिए अनुरोध है कि ना पीछे सामग्री इकट्ठा करें, ना और खड़े होकर आहुति दें, ना और कोई व्यवस्था करें। जो यशपुर के चारों ओर बैठे हैं सरलता से आहुति डाल सकते हैं, वो सामग्री की आहुति डालेंगे। उसके बाद उनका स्थान जो है दूसरे लोग के बाद वो बैठ करके आहुति डालेंगे। इसलिए इस व्यवस्था को अगर आप चाहते हैं कि जो आयोजकों ने जो ये व्यवस्था की है, जो इसे महायज्ञ का आयोजन किया है, जय श्री राम। वही तो मैं कह जय श्री राम। जोर से बोलो, जय श्री राम। बोलो जय रामचंद्र जी की। एक प्रयास के काल से, एक निमंत्रण के काल से सभी इतनी भारी संख्या में आप होते हैं, मैं इस मंच के माध्यम से आप सबको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और शब्दों में जय श्री राम करता हूँ। एक बार सभी नारा लागे पर बोले सियापति रामचंद्र की। नारे में अभी आवाज कम है क्योंकि अयोध्या तक आवाज पहुंचनी है, तो वो जोर से नारा लागे बोलो सियापति रामचंद्र की। आरती के लिए हो गया है। मेरे मित्र भवाना की सरदारी, सभी गांव की सरदारी यहाँ पहुंची है। मैं ऐसी सरदारी को इस मंच के माध्यम से बार बार प्रणाम करता हूँ और सभी को जय श्री राम करता हूँ। बहुत सारे मित्र मैं देख पा रहा हूँ जिन्होंने लगातार एक निर्णय लिया, या कह सकता हूँ कि इसकी भव्यता के लिए जो प्रयास
जो लगातार इस कार्य में लगे रहे। श्री बालाजी सेवा समिति बेगमपुर ने जो है एक तो प्रसाद का भंडारे का वितरण संभाला हुआ है भाई, और यह है श्री श्याम प्रभु मस्त मंडल रजिस्टर्ड किराड़ी, इन्होंने भी प्रसाद वितरण की सेवा का कार्यभार यहाँ पर संभाला हुआ है। बहुत शानदार तरीके से जो सारी जो है प्रसाद वितरण का कार्यभार यहाँ पे संभाला हुआ है। जय श्री राम। और ये भी श्री श्याम प्रभु मस्त मंडल रजिस्टर्ड किराड़ी के जो सब कार्यकर्ता हैं। जय श्री राम। शानदार तरीके से भाई श्री श्याम प्रभु मस्त मंडल रजिस्टर्ड किराड़ी ने जो है प्रसाद वितरण का जो कार्य बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे संभाला हुआ है।